नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी आप लोगों को इत्तला कर दिया गया है कि मुश्तरका क़ुरबानी का ऐलान हो चुका है और आप में से जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं वो यहाँ दिए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। और आपको पता है कि गोश्त कहाँ तकसीम होता है और किस तरह के इलाक़ों में हो हमारा हर साल काम कहाँ होता है, लिहाजा जो जिन लोगों को हिस्सा लेना है वो ज़रूर इस पर व्हाट्सएप करें, आपको तफसीलात भेज दी जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, हुकूमत बने अभी 24 घंटे भी मुकम्मल नहीं हुए हैं, इसलिए कि शाम ढलते ढलते मोदी के तीसरे जो मरहले की उनकी हुकूमत है उसके लिए 24 घंटे गुजरे, लेकिन उससे पहले ही TDP ने यानी कि तेलुगु देशम पार्टी ने मुतालबा रख दिया है कि किसी भी सूरत में स्पीकर की पोजीशन में उन्हीं का आदमी चाहिए। स्पीकर की शक्ल में क्यों, मैंने इससे पहले भी इस सिलसिले में तफसीला रखी थी और ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर इस वक्त मुख्तलिफ चैनल्स दिखा रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। वजारत छोड़ करके, कलमदान छोड़ करके, मुख्तलिफ अहदे छोड़ करके स्पीकर ही क्यों? लगभग 3 या 4 दिन पहले प्राइम टाइम में मैंने उद्धव ठाकरे के फर्जंद का एक बयान आपको सुनाया था कि BJP ने अपने साथ जुड़ने वाली जैली पार्टियों के साथ क्या किया है। महाविकास अघाड़ी को तोड़कर के तितर बितर कर दिया और NCP को और भी मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ भी उसके साथ जो पार्टियाँ जुड़ी हैं वो बिहार हो या UP हो, और UP की हालत देख लीजिएगा कि जो है जितना भी जोर लगा ले मायावती की पार्टी जो है किस तरह टूट फूट का शिकार बनी। यानी ज़ैली और मकामी पार्टियों को किसी भी तरह से उनके अंदर जो है इख्तिलाफात पैदा करके, उनके लोगों को ख़रीद के उन पार्टियों को ख़त्म करने के लिए जो है BJP बदनाम है। इसलिए मशवरा दिया था TDP और नीतीश कुमार को कि जो किसी भी सूरत में आप स्पीकर का पोजीशन लें। स्पीकर का पोजीशन क्यों लें? इसलिए कि अगर कल TDP पार्टी के पार्टी वाले के साथ अनबन हो गई BJP के साथ और किसी बात को लेकर के जो है MPs में होगा, तो स्पीकर के ओहदे पर रहने वाला वो फौरी तौर पर BJP के इशारों पर जो है TDP के MPs को कलादम करार दे देगा। यानी कि साफ तौर पर उनके उस रुकनियत को छीन लेगा, कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा। ऐसी सूरत में वो कांग्रेस को भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसी तरह का कई आप लोगों ने मिसालें दी होगी उनकी। अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र में जो हुकूमत नीचे गिरी और उसके बाद अदालत तक पहुंचे तो कितने अराकीन असेंबली को कलादम करार दिया गया और ख़ुद जो है मेंबर पार्लियामेंट को कितने बड़ी तादाद में कांग्रेस के अपोजिशन को अभी इधर 8-9 महीने से पहले जो है जिस तरह कलादम करार दिया गया और एहतजाज पर बैठते रहे, राहुल गांधी को किस तरह से निकाल दिया गया कई दिनों के लिए। ये सूरत हाल बनेगी कब? जब जो है स्पीकर BJP का होगा। इसीलिए TDP इन तमाम खतरात से बचना चाहती है कि स्पीकर हमारा हो तभी जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो अब ये क्या इतना बड़ा खतरा BJP उठा लेगी, ये असल है। तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसा ओहदा है जिस ओहदे पर जो है किसी का कंट्रोल नहीं होता और वो जो है ओहदा TDP मांग रही है ताकि अपने MPs को बचाया जा सके। कल किसी भी तरह की बगावत हो जाए, किसी भी फैसले को लेकर के अगर TDP के मेंबरान ने पार्लियामेंट राजी नहीं है और वो BJP की उस चीज़ के खिलाफ वोट दे दिया और फिर जो है BJP ने दावा किया कि इस तरह इन्होंने किया है इनकी जो रुकनीत को कलादम कर दे, तो स्पीकर फौरी कर देगा तो कर देगा। इन तमाम जो है सूरत से बचने के लिए TDP ने स्पीकर का ओहदा मांग लिया है। यानी कि समझिए कि अभी वेट एंड वॉच का अपना मसला है, ये हुकूमत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, इसलिए कि इस चीज़ को जो है BJP मान ले ये इम्कानात में से नहीं है। अगर मान भी लेगी तो कितने दिनों तक मानेगी, ये भी जो एक अहम तरीन चीज़ है। नाज़रीन गिरामी,
इसलिए अब देखते हैं क्या होता है। उधर पप्पू यादव ने जो है प्रियंका गांधी से मुलाकात की है और कांग्रेस पार्टी को अपनी सपोर्ट का अनाउंसमेंट किया है, यानी ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। तो इस तरह से नाज़रीन ग्रामी अब जो है एक एमपी जो आज़ाद होकर के इंतखाबात लड़े, वो अब शायद दूसरे एमपी हैं जिन्होंने बाहर से रहते हुए कांग्रेस को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। और मुझे लगता है कि अब जितने भी आज़ाद कुछ दिन तक जो है एक दो महीने तक सब के सब कांग्रेस में जुड़ जाएंगे तो फिर कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। उसके बाद थोड़े और एमपी साहब खरीद लो का जो है बीजेपी से या किसी और से और फिर अपनी हुकूमत बनाओ। शायद इसी तरह की थ्योरी चल रही होगी अंदरूनी सतह पर। बहरकैफ देखते हैं क्या होता है आगे। नाज़रीन-ए-गिरामी तालिबान हुकूमत किस तरह से तरक्यात कर रही है अफ़गानिस्तान में, उसके एक ताज़ा मिसाल ये है कि 11,000 टन क्रूड ऑयल को हर दिन बेचने की जो है पोजीशन में आ चुका है अफ़गानिस्तान इस वक्त, 6 मिलियन अ डे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अफ़गानिस्तान लगातार जब से तालिबान अफ़गानिस्तान पर जो है हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ की गद्दी को संभाला है, वो बैरूनी किसी भी जो है इस वक्त खाना जंगियों में हो किसी में भी शरीक नहीं हो रहे हैं और खारिजा पॉलिसी को टोटल चेंज कर लिया है और इस तरह से अंदरूनी सतह पर अपने मुल्क को मजबूत बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो इस वक्त तरक्यात की तरफ जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा सपोर्टर अगर कोई है तो पहले नंबर पर अगर देखा जाए तो वो चाइना है, जो तमाम जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इस वक्त जो है तालिबान को और अफ़गानिस्तान हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। दूसरे नंबर पर देखा जाए तो वो तुर्की का नंबर आता है कि वो जो है अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह दे करके रशिया के सपोर्ट के साथ जो है वो इस वक्त तालिबान को मजबूत कर रहा है, इस हुकूमत को। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जहाँ पर जो है कुछ साल पहले जिस तरह खाना जंगी जो तबाही वो बर्बादी थी, आज उस ज़मीन से ऑयल निकल रहा है और वो ऑयल इस वक्त पूरी दुनिया में बेचा जा रहा है और हर दिन 11,000 टन मतलब 6 मिलियन जो है टन जो है वो क्रूड ऑयल निकाल करके, कच्चा तेल निकाल करके बेचा जा रहा है। आइए नाज़रीन-ए-गिरामी एक और मंजर कर देखने को मिला, रिलीज इमरान खान। इंडिया पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, आपको मालूम है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, ऐसी सूरत हाल में यहाँ एयरक्राफ्ट में एक अजीब मंजर देखने को मिला कि जो है लोगों की तवज्जो अपने जानिब मबजूल करने के लिए और इमरान खान की मजलूमियत को लोगों के सामने लाने के लिए एक इमरान खान के फॉलोअर ने जो है वो एयरक्राफ्ट के ज़रिए से बड़े पैमाने पर रिलीज़ इमरान खान का जो है एक तहरीर लिख कर के जो है फिज़ा में उड़ता हुआ नज़र आया, जिसकी वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की गई। ये उस वक्त था जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान T20 वर्ल्ड कप जो है होने वाला था और हो रहा था। नाज़रीन-ए-गिरामी ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि आप ये न समझें कि हमारे मेंबरान पार्लियामेंट चले जाएंगे, पार्लियामेंट में ऐसे ही खामोश बैठेंगे, उठ करके आ जाएंगे, ऐसा हरगिज़ भी नहीं होगा। हम जो है वहाँ पर NRC के ख़िलाफ़, CAA के ख़िलाफ़ लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे और किसी भी सूरत हाल में इस बिल को, इस कानून को पास होने नहीं देंगे। ये कहते हुए उन्होंने एक और ताज़ा बयान इस वक्त जारी कर दिया है, जिसके ऊपर जो है अलग अलग तरह के तबसरे इस वक्त सोशल मीडिया में देखने और पढ़ने को मिल रहे हैं। नाज़रीन-ए-गिरामी आइए RSS के बंगाल के लीडर और मशहूर लीडर शांतनु सिन्हा, वो बीजेपी IT सेल के अमित मालविया हेड जो है, जितने भी फेक न्यूज़ बीजेपी की जानिब से आपको सोशल मीडिया में वायरल होते हुए नज़र आएंगे वो यही से आएंगे। एडिटेड वीडियोस हों, झूठी खबरें हों, फेक वीडियोस हों, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का एक माहौल हो, अलग अलग तरह की किसी को उकसाने का माहौल हो, या बॉलीवुड से जुड़े हुए मुस्लिम हीरोज़ को जो है वो अब्यूज़ करना हो, हरासा करना हो, अलग अलग तरह के मैसेजेस करके, कमेंट्स करके, उसका सारा का सारा जो है वो BJP IT सेल पर ही इल्ज़ाम लगते रहे। उसका हेड यानी फेक खबरें फैलाने के इस जो है पूरे के पूरे जंगल का जो हेड है अमित मालविया। अब पता है अमित मालविया पर क्या इल्ज़ाम लगा है?
अमित मालविया पर खुद आरएसएस के मेंबर जिसका ताल्लुक बंगाल से है और वो बीजेपी लीडर भी हैं शांतनु सिन्हा, उन्होंने लगा है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि बंगाल के बीजेपी दफ्तर में भी, फाइव स्टार होटल में भी इसने कई ख्वातीन के साथ, कई ख्वातीन को हरासा किया है और जिस्मानी ताल्लुकात बना करके उनको जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई कांग्रेस वाले नहीं लगा रहे हैं, दूसरे कोई भी अपोजिशन पार्टियों में मौजूद कोई नहीं लगा रहे, आरएसएस के लीडर, बीजेपी के लीडर, खुद बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया पर इल्ज़ाम लगा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किस तरह से इस वक्त जो है बीजेपी की हुकूमत बने, अभी जैसे मैंने कहा 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं, आईटी सेल के ज़रिए से पूरे भारत में ऐसी झूठ फैलाने वाला, फेक खबरें फैलाने वाला, किस तरह की जो है जुर्म में इस वक्त जो है खुद उन्हीं के लोगों ने जो है इस वक्त इल्ज़ाम लगाया है। और इसको लेकर के हमारे कांग्रेस की लीडर ने बयान भी दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके इस सिलसिले में तहकीकात करने का मुतालबा भी बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि न सिर्फ जो है फाइव स्टार होटल्स में बल्कि खुद बीजेपी के दफ्तर में जो बंगाल में मौजूद है वहाँ पर ख्वातीन को इसने परेशान किया है। जेडीएस से ताल्लुक रखने वाले प्रज्वल रेवन्ना के इस सेक्स स्कैंडल के बाद ऐसा महसूस होता है कि अब अमित मालविया के इस जो है उस पर लगे हुए इल्ज़ाम इस वक्त दूसरे और बड़े तर्ज पर सामने आने वाले हैं और इसको लेकर के लगता है कि अपोजिशन भी पूरी तरह से जो है इस वक्त बीजेपी को घेरने वाली है, इसलिए कि अमित मालविया एक इस वक्त एक मामूली चेहरा नहीं है। सोशल मीडिया में जब कभी भी फेक खबरें फैलाते हैं सबसे पहला इसी का चेहरा सामने आता है। ऐसी सूरत हाल में और खुद क्या कहा है जो है कांग्रेस के तर्जुमान ने, वो खुद आप सुन लें। इट हैज कम टू लाइट नॉट बाय अस, इट हैज कम टू लाइट बाय मेंबर्स ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हु आर ऑन रिकॉर्ड, अ जेंटलमैन बाय द नेम ऑफ शांतनु सिन्हा रिलेटेड टू राहुल सिन्हा, एन ऑफिस बेयरर ऑफ द बीजेपी इन बंगाल, अ मेंबर ऑफ द एबीवीपी, prominent member of the RSS there has said that the BJP IT cell head, the fake news factory that Mr. Amit Malviya runs, he has alleged that Mr. Amit Malviya has indulged in nefarious activities, he has indulged in sexual exploitation of women, not just in five-star hotels, but in BJP offices in Bengal. And the only thing that we seek of the BJP is justice for women finally. Whether it is Hathras or Lakhimpur or Shahjahanpur or our most decorated athletes or Uttarakhand or Bilkis Bano, the Prime Minister has consistently given political patronage and support to perpetrators of the crime. It's high time you stand with women. It's high time you stand with India's daughters. And unless and until you do not answer their plight, you have no business to be in power. The reality is, less than 24 hours after the Prime Minister has been sworn in, very, very serious charges of sexual exploitation have been leveled against a very prominent office bearer of the BJP, the head of its IT cell. But is it to anybody's surprise? The IIT BHU gang rape, if you remember, and the three people involved, Saksham Patel, Kunal Pandey and Anand Chauhan, all members of the BJP IT cell, all extremely close to senior leaders of the BJP, including Narendra Modi. This is a pattern. It's a pattern whether it's Kuldeep Singh Sengar or Chinmayanand or Brij Bhushan or Ankita Bhandari's murderer or those who were released, who killed and who gang-raped Bilkis Bano and her family. It's a pattern. They're all BJP leaders and each one of them has been protected by Narendra Modi. And so today we seek the immediate removal of Amit Malviya from his position. It's an extremely influential position. It's a position of power. And there can be no independent inquiry. There can be no independent probe. There cannot be justice unless and until he doesn't get removed from his position. He cannot continue in that position of authority and influence if justice indeed has to be done. He is the same man who has perpetrated one lie after the other. He has not maintained any decency in public life. He has not even spared India's first Prime Minister, Nehru.
He has publicized and maligned Nehru for images with his sister and his niece. He has cut and snipped Rahul Gandhi's media bites, his statements, his addresses. He has crossed every limit of morality and decency in public life when he leveled charges against opposition leaders. And a man... नाज़रीन गिरामी, लोकसभा इंतखाबात के नतीजे के बाद अगर किसी सीट के नतीजे पर सबसे ज़्यादा अगर बात हो रही है तो वो फैज़ाबाद लोकसभा की सीट है। इसी हलके में अयोध्या भी है, जहां राम मंदिर की तामीर की गई और जिसकी बुनियाद पर बीजेपी की पूरी सियासत कायम है। इस सीट का सबसे ज़्यादा जिक्र इसलिए हो रहा है कि यहाँ के लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त फाश देते हुए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को ज़बरदस्त अक्सरियत से कामयाब किया। अब जो है महसूस किया जा रहा है कि जो एमपी यहाँ जीत करके आए हैं समाजवादी पार्टी से, उनकी जान को खतरा है और जेड प्लस सिक्योरिटी का मुतालबा किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, हमने कल एक वीडियो हमारे शॉर्ट्स में आप लोगों के सामने पेश की थी कि किस तरह अयोध्या को आग लगाने के लिए एक शख्स ने जो है एक तमसीली तौर पर नाम लिख करके उसको आग लगा दिया था। फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपी लल्लू सिंह को टिकट दिया था, जबकि समाजवादी पार्टी ने उधेश प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी समझती रही कि राम मंदिर की वजह से फैजाबाद लोकसभा के राय दहिंदगान उसे वोट देंगे, लेकिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को भारी अक्सर से कामयाब बनाया। इस कामयाबी के बाद जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं उम्मीदवार को और बीजेपी को हराने पर लोग फैजाबाद के राय दहिंदगान को जिस तरह बुरा भला कह रहे हैं और अलग अलग तरह से जो है लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग वीडियोस बना करके पेश कर रहे हैं, वहाँ की हिंदुओं पर हमला करने के लिए इशारतन व किनायतन बातें हो रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जो मेंबर पार्लियामेंट जीत करके आए हैं उनका क्या होगा, उनके साथ किस तरह का बर्ताव होगा। इसी वजह से जो है इस वक्त उनको जेड सिक्योरिटी का मुतालबा किया जा रहा है, इसकी बात सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, जम्मू कश्मीर के रियासी में दहशतगर्दों ने ज़ायरीन से भरी बस पर हमला कर दिया था। खबरों के मुताबिक इस हमले में अब तक 10 अफराद के हलाक होने की खबरें हैं। दहशतगर्दों ने पहले बस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे बस चलाने वाले ड्राइवर को गोली लगी और बस पर से कंट्रोल खो बैठा, जिसके बायस बस खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि इस हमले में 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज कर रहे हैं और यात्रियों से भरी बस शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी जब दहशतगर्द हमला हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया। बताया जा रहा है कि इस दहशतगर्दाना हमले में जख्मी होने वाले यूपी के बलरामपुर के रहने वाले संतोष कुमार वर्मा ने बताया कि शिवखोड़ी का दौरा करने के बाद हम कटरा की तरफ जा रहे थे, जब बस ऊपर से नीचे आ रही थी तो एक दहशतगर्द ने सड़क के बीचों बीच फायरिंग शुरू कर दी। ड्राइवर को गोली लगने से बस खाई में गिर गई। दहशतगर्दों ने तकरीबन 20 मिनट तक फायरिंग की। फायरिंग रुकने के बाद पुलिस आई और मुकामी लोगों की मदद से रेस्क्यू किया। सामने से एक दहशतगर्द को फायरिंग करते देखा, जबकि बाकी इधर उधर से भी गोलियां चला रहे थे। वो पांच से छह बार फायरिंग करने के बाद रुक जाते और फिर 5 मिनट बाद दोबारा फायरिंग शुरू कर देते। तो नाज़रीन गिरामी, ये बहुत ही अफसोसनाक जो है मामला इस वक्त पेश आया है भारतीयों के साथ। ये लोग जो है भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे, ऐसी सूरत हाल में जम्मू की रियासी में पेश आने वाला ये मामला, ये दहशतगर्दाना मामला किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि जो लोग जो है इस वक्त पुरअमन माहौल में इंतखाबात के बाद फौरी तौर पर इस तरह की कार्रवाई करते हुए पूरे भारत के माहौल को जो है एक अजीब व गरीब सूरत हाल में मुब्तला करने की साजिशें रची जा रही हैं, ये कहते हुए इस दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ इस वक्त हर कोई मजम्मत कर रहा है। नाज़रीन, उधर बिहार, बंगाल, एमपी समेत 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। 10 जुलाई को वोटिंग होने जा रही है। जहां नाज़रीन ग्रामीण, इलेक्शन कमीशन ने बिहार, बंगाल, एमपी समेत 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया। 13 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग 10 जुलाई को होगी। जिन सीटों पर वोटिंग होगी उनमें बिहार की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1 और हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें शामिल हैं। तो देखना है कि इसमें कौन गुल खिलाता है। नाज़रीन ग्रामीण, क्या आप किरायेदार हैं या फिर आप अपनी ज़मीन को अपने घरों को किराए पर देते हैं? अगर देते हैं तो फिर आपके लिए ये खबर बहुत ज़रूरी है, सुन लें। सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला जो कब्ज़े मुखालिफाना से मुतालिक था, मालिकीन जायदाद में एक बेबुनियाद बेचैनी का सबब बना। जितने मुंह उतनी ही बातें, एक अफवाह फैली कि अगर कोई किरायेदार 12 साल से ज़्यादा अरसे तक जायदाद पर काबिज रहे वो उस जायदाद का मालिक बन जाएगा। बहुत सारे मालिकीन जायदाद के लिए तशवीश का बाइस बना।
कब्जे मुखालिफाना का उसूल इस सूरत में कारगर होगा जब मालिक जायदाद अपने हक मालिकाना से बिल्कुल गाफिल हो, ना वो कोई किराया हासिल कर रहा हो और ना उसके किराएदार से उसका कोई किरायानामे का कोई मुआहदा हो। इस तवील अरसे यानी मुसलसल 12 साल तक किराएदार या काबिज का कब्जा मुस्तकिल हो और उसके पास रिहायशी सबूत के अलावा कई ज़रूरी दस्तावेजात यानी वोटर लिस्ट में उसका नाम, लाइट और पानी का बिल उसके नाम पर आ रहा हो और म्यूनसिपल टैक्स अदा कर रहा हो और उसके नाम पर टैक्स रसाई जारी हो रही हो, इसके और मालिक के दरमियान कोई किरायानामा का मुआहदा हुआ हो और ना ही मालिक की जायदाद ने उससे किराए के मुतालबे की और तखलीक की नोटिस जारी की, तभी जाकर कि इस तरह की सूरत हाल में जो है वो उस पर जो होगा उसका कब्जा होगा, बसूरत दीगर जो है वो मिल्कियत की दावा नहीं कर सकेगा। लेकिन इस फैसले को लेकर के लोग समझ रहे थे कि जो है 12 साल कंटिन्यू कर लो और उसके बाद जो है जगहों पर कब्जा कर लो। वह कह नाज़रीन ग्राम में मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अत हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अत हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,